ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगयते गरिं जत्कृपातरमं वंदे परमानंद माधवम्। ये पवित्र जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मंदिर आपण माने जितळ बारंग ब्लॉक प्राचीन नदीर कूळे कूळे आपण आसीबे मधुपुर ग्राम पंचायतर मधुबन ग्राम रे आपण महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करिवे। जो ग्राम रे कनकेश्वर महादेव अच्छा जोटी पातालेश्वरी माँ को दर्शन करिवे प्राचीकूल से आपण महाप्रभु को दर्शन करिवे। ये नृसिंहनाथ मंदिर टी अच्छी ये गोटे पवित्रतम पीठ महाप्रभु मंदिर को आसतु। ये पीठ आम प्राचीकूर गोटे सुंदर पीठ निश्चिंत रूपे टी आसतु। वंदे उत्कल जननी वंदे मातरम नमामि प्राची नमामि नदी मातृका नमामि प्राची नमामि नदी मातृका। ए प्राची पुरातन जो नदी पूर्व दिगकु बही चली बंगोपसागर में मिलन से प्राची नदीर आम आसी पहुँचीचु बारंग ब्लॉक कटक जिला बारंग ब्लॉक रो मधुवन ग्राम रे। ये जो मठ अछि नृसिंहनाथ मठ जो नृसिंहनाथ मठ रे इतिहास होची आज को 60 वर्ष तले ए मठ को स्थापना करा जायतिला। एवं आपण माने जो मठर जो मठाधीश को दर्शन करुछंती बाबा भक्तचरण दास तांका में प्रणाम करुचु। सी ए बारंगर जो राजा पटिया राजांकर किछि तथ्य कहीं नराज हैला ग्राम कहीं संडपुर हैला एवं प्राची नई सी जहाँ कह कथा सी तांका पिला बेले एई नदी रे स्नान करथिले। बाबांक बयस 90 वर्ष पाखापाखी एवं 1965 वर्षिया बेलू नदीर रूपांतरण करी केनाल करदे इंजीनियर विजयराम मिश्र से समय किंतु सीए प्राची नई में गाधेई बाबा मुहर आम प्राची नई किसी घटना को जाना। बाबाजी प्रणाम कौन बाबा आपण जो प्राची नई तो आप पिला देखी कौन आर इतिहास आपण मुहर टे जाना चाहूँ आरंभ होती बोली मुझे बुढ़ा बुढ़ा सब कसा कसा हुई सीटा हूँ डिंगारपुर यहाँ हूँ मधुबन दीटा एक नदी मिशन सला यहाँ हूँ बड़ पथर से हाड़गाड़िया हाड़गाड़िया अच्छा तार केनाल गला तारनाल गला ता अर्थ ये नई को केनाल भाव में परिचय देले परवर्ती काल पुरी केनाल। एवं ये जो तथ्य जो मिलूँ पटिया राजा किभली आठगढ़ को विजय प्राप्त करने गले से विषय टी कौना कौन केमी पटिया राजा गले पटिया राजा आठगढ़ राजा युद्ध हाँ सी युद्ध हार सब हार मंदिर मंदिर पाखे गोटे कंचन कच था से कंचन कच बड़े बसिक लिंगराज परम भक्त लिंगराज को दान कर
ଶୋଇଥିଲି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଇଏ ଆଦେଶ ହେଲା, ତୁମେ ଯାଅ ଏଥର ଜିତିକି ଆସିଲେ ମୋର ସନ୍ୟାସମଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଷଣ୍ଢପୁରଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଷଣ୍ଢର ପରାକ୍ରମ ହେବ, ଜାଗରଣ ଯେଉଁଠି ହେବ ସେଇ ସେଇଟା ହେଉଛି ଷଣ୍ଢପୁର, ସିଏ ରଜା ମାରିକି ଆସିଲା ମାର୍ଥାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼େଇକି ଆସିଥିଲା ବୋଲି ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାର୍ଥାପୁର। ଇଏ ରଜା ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳକୁ ନଅଟା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ତା ନାଁ ହେଉଛି ନରାଜ। ତ ଜାଣିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ତା ନରାଜ ହେଇଛି, ଯେ ନଅଟି ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଦେଲେ ଯେ ନଅଟି ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସିକରି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆଠଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଟିଆ ରାଜା ଯେ କନକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ସିଏ ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବିରାଟ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତୋ ନାଁରେ କନକେଶ୍ୱରୀ ଉଡ଼େଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସ୍ୱପ୍ନ କହିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା କଥା କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀ କୂଳେ କୂଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ।